करने अब दिल्ली पहुंचे हैं मदन कौशिक। इस वक्त की ये बड़ी खबर, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, जो कि अब दिल्ली पहुंचे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने। कल उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार हो सकता है, बड़ी खबर। जहां बीते कल ही मुख्यमंत्री ने शपथ ली है, तीरथ सिंह रावत प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने हैं और अब कैबिनेट विस्तार को लेकर जहां तैयारियां जोरों पर हैं, और ये बड़ी खबर, कल हो सकता है उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार। जेपी नड्डा से मुलाकात करने मदन कौशिक पहुंचे हैं, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक। मदन कौशिक को अहम जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं उत्तराखंड कैबिनेट विस्तार को लेकर। और प्रतीक पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, क्या और अपडेट है इस मामले से जुड़ा? प्रतीक, आपकी आवाज साफ नहीं है, एक बार फिर से संपर्क करेंगे। इस बीच ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, उत्तराखंड कैबिनेट के विस्तार को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। जहां दिल्ली पहुंचे हैं मदन कौशिक, उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हैं मदन कौशिक, और अब उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कल ही हो सकता है उत्तराखंड कैबिनेट का विस्तार, अहम खबर। जहां कैबिनेट में संभावना जताई जा रही है, जो नाराज विधायक हैं उन्हें जगह दी जा सकती है, जो पद खाली हैं उन्हें भरा जाएगा। कैबिनेट विस्तार का इंतजार काफी समय से उत्तराखंड में किया जा रहा था संतुष्ट नेताओं को, जहां सरकार में जगह देने के लिए, लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा बदल चुका है, ऐसे में कैबिनेट विस्तार भी काफी अहम होगा। अगले साल विधानसभा चुनावों में जाना है बीजेपी को, ऐसे में एक मजबूत सरकार दिखाना और अपने असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने के लिए कैबिनेट विस्तार काफी महत्वपूर्ण है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे हैं उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, और उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। जहां बीते कल ही तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री बने हैं और अब कैबिनेट विस्तार का समय है। इससे पहले छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान कहा था कि जल्द ही कैबिनेट विस्तार होगा, एक दो दिन का इंतजार किया जा सकता है। प्रतीक पाठक ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर से। प्रतीक, क्या जिम्मेदारी सबसे पहले मदन कौशिक को दी जा सकती है, इस बारे में बताएं। बिल्कुल, अभी बताना चाहूंगा, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे और कहा जा सकता है कैबिनेट का कल विस्तार भी हो सकता है। फिलहाल 11 जो विधायक हैं उनको कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। अब उसमें देखना होगा कि इसमें जो मदन कौशिक हैं, जिनको एक अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है, वित्त मंत्रालय भी इनको दिया जा सकता है, या फिर इनको पीडब्ल्यूडी जैसा एक अहम जो विभाग है वो दिया जा सकता है। फिलहाल इसमें 11 मंत्रियों को बनाने की बात की जा रही है। कैबिनेट मंत्री जो है 11, क्योंकि पिछली सरकार की, अगर त्रिवेंद्र सरकार की मैं अगर बात करूं तो 6 कैबिनेट थे और 6 कैबिनेट मंत्री बनाए गए थे, 2 राज्य मंत्री बनाए गए थे। ऐसे में असंतुष्ट की भावना लगातार जाग रही थी। वैसे विधायकों को बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, लंबी लिस्ट भी देखने को मिल रही है। खासतौर पर अगर वरिष्ठ विधायकों की अगर मैं बात करूं तो चमोली और बद्रीनाथ से जो महेंद्र भट्ट विधायक हैं उनको भी इसकी जिम्मेदारी मिल सकती है, साथ ही मुन्ना सिंह चौहान हो या फिर हरवंश कपूर हो, तो इन जैसे विधायकों की जो पिछले दौर पर अगर देखा जाए तो नाराजगी के तौर पर देखने को मिल रही थी, तो उनको भी जिम्मेदारी दी जा सकती है कैबिनेट में। जी, और प्रतीक, इस कैबिनेट में क्या हमें दिखेंगे तीरथ सिंह रावत के करीबी, या फिर जो आलाकमान की तरफ से अप्रूवल मिलेगा उनकी छवि दिखेगी? बिल्कुल, जिस तरीके से कल मीडिया से मुखातिब हुए तो पूछा भी गया था कैबिनेट के विस्तार को लेकर क्या कुछ तैयारियां रहने वाली, तो उन्होंने कहा कि कैबिनेट को लेकर 2 से 3 दिन के अंदर विस्तार किया जाएगा। फिलहाल जब उनसे पूछा गया कि कैबिनेट में आप चहेतों को लेके आएंगे, जो नाराज थे उनको लेके आएंगे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये पाला शीर्ष नेतृत्व यानी कि केंद्रीय नेतृत्व को सौंपते हुए कहा था कि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, तो फिलहाल उसको कहने से फिलहाल बचे हैं। ऐसे मदन कौशिक जो पहुंचे हैं, मदन कौशिक पूरा जिस तरीके से जो बैठक होगी उसमें तय किया जाएगा कौन कौन से जो विधायक हैं जो नाराज थे। जैसे कि बता दूं आपको,
तरीके से डीडी हाट से बिशन सिंह चौपाल, जिसमें पिछले समय जो विधानसभा सत्र भी चला था तो उस वक्त भी वो नाराजगी के तौर पर विधानसभा सत्र के दौरान उठ के चले दिए थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं उसको लेकर अधिकारी उसको गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर आरोप लगाए थे कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जो काम कर रहे हैं वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो इसको लेकर बिशन सिंह चौपाल को भी इसकी जिम्मेदारी कैबिनेट में दी जा सकती है फिलहाल। ठीक, और इसे लेकर उत्तराखंड में कैसी हलचल है, क्योंकि दिल्ली मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं मदन कौशिक, उत्तराखंड में इस वक्त क्या अपनी अपनी पैरवी लगा रहे हैं विधायक? निश्चित तौर पर जैसा कि बता दूं आपको, जैसे कि तमाम जो मंत्री जो विधायक थे वो उनको कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारियां दी सकती है, जो कुछ कैबिनेट मंत्री है उनमें भी बदलाव किए जा सकते हैं, सुरूर ओनियाल हो, फिर सत्यपाल महाराज हो, या फिर तमाम जो मंत्री जो बनाए गए थे कैबिनेट में उनमें भी बदलाव करने के पूरे आसार दिखते नजर आ रहे हैं। ठीक प्रतीक, और इस बीच क्या हम ये देखेंगे कि वो मजबूत कैबिनेट होगी जो कि एक साल में ऐसा परिवर्तन या फिर इस मोड़ पर सरकार के कार्य को लाकर खड़ा कर देगी कि अगली बार यानी एक साल बाद जब विधानसभा चुनाव में जाएंगे बीजेपी के नेता तो बहुत कुछ होगा बताने के लिए, जनता के सामने रखने के लिए? बिल्कुल, जिस तरीके से जो नाराजगी के तौर पर देख रहे थे विधायक, उनको जो जिम्मेदारियां मिलेगी तो सामंजस्य की स्थितियां बनाने की पूरी बात वैसे भी तीरथ सिंह रावत कर चुके हैं। कल भी उनसे पूछा गया था कि असंतोष की भावना पूरी सरकार में जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री से तब जाग रही थी, अब आप किस तरीके से देखेंगे, तो उन्होंने कहा था सभी को लेकर चलेंगे, सभी के साथ सबका विकास को लेकर बात की जाएगी, जितने भी विधायक नाराज है उनका जो कार्य उनका जो है उसको धरातल पर लाने का पूरा काम किया जाएगा, तो विधायकों की नाराजगी को दूर करने के लिए भी कैबिनेट विस्तार किया जाएगा। फिलहाल जो प्रकाश वाली जो सीट थी उसमें जो उनकी पत्नी है उनको ये जिम्मेदारी कैबिनेट मंत्रालय में दी जा सकती है फिलहाल। ठीक, शुक्रिया जानकारी के लिए प्रतीक।